हम लिविंग रूल के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमें तीन चीजें पढ़नी थी, है ना। पहले तो प्रॉपर्टीज थी लिविंग वर्ल्ड की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर के बारे में। फिर पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हाँ, तो मैं कह रही थी उसमें हमने फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन पढ़ा था। ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हुए थे? यस मैम। ओके, तो क्या डिफरेंस एक बार बता दो फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में। मैम, फ्रेगमेंटेशन इज फॉर्मिंग बॉडी बाय डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आफ्टर इट इज कट, एंड रीजनरेशन इज फॉर्मिंग अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ कट पार्ट। ठीक है, और कुछ डिफरेंसेस? अच्छा, हमें रीजनरेशन में क्या होता है, एक फुल ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है ट्रू रीजनरेशन में, एंड फॉल्स रीजनरेशन होता है उसमें सिर्फ बॉडी पार्ट नई जनरेट हो जाती है ना। यस मैम। ओके, तो जो प्लानेरिया है जो ट्रू रीजनरेशन शो कर रहा है, हम उसे फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं कहते हैं? कैन यू रिपीट वंस? मैं कह रही हूँ कि जैसे प्लानेरिया है, तो प्लानेरिया भी तो फ्रेगमेंटेशन कर रहा है ना, तो हम उसे रीजनरेशन क्यों कह रहे हैं? देखो, जो फ्रेगमेंटेशन होता है ना, ये सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। जैसे कि स्पाइरोगैरा है, जिसका मतलब सेल्स जिसमें ज्यादा स्पेशलाइज नहीं होते हैं। सिंपल सेल है तो उसमें हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, अगर थोड़े स्पेशलाइज सेल्स अगर उनके अंदर आ गए, तो फिर हमें उसमें क्या मिलेगा, रीजनरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो प्लानेरिया है, हाइड्रा है, ये क्या करते हैं, ये कम्प्लीटली अपने आप को रीजनरेट करते हैं, है ना। ये एक नया ऑर्गेनिज्म ही फॉर्म कर लेते हैं, और ये जो होता है, ये इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन हो या रीजनरेशन हो, दोनों ही क्या है, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इससे ऑर्गेनिजम्स नए ऑर्गेनिजम्स भी बनाते हैं, ठीक है। दीक्षा, आपका कोमा पेशेंट को लेकर जो डाउट था वो क्लियर हो गया? यस मैम। क्या क्या मतलब आपने सर्च किया कोमा पेशेंट्स को लेकर? मैम, मैंने सर्च किया था तो उसमें बता रहा था कि जो कोमा पेशेंट्स होते हैं, मैम एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ, मतलब कुछ आइडिया लगा उसके बारे में कि कोमा पेशेंट्स जो होते हैं उनमें जो होते हैं बहुत सारे मशीन्स होते हैं, उन्हें जो फूड दिया जाता है वो नोस्ट्रल्स के थ्रू लगा के उनके स्टमक में जाता है, और जो फूड होता है वो लिक्विड होता है। तो ज्यादातर जो का ये क्या बोलते हैं कि वो जो डाइजेशन होता है वो वही लोग करते हैं, बट विद सम विद द हेल्प ऑफ सम मशीन्स। तो समवेयर उनका जो मतलब डाइजेशन होता है उनमें उनका भी थोड़ा मतलब वो भी पार्टिसिपेट करता है, उनका बॉडी भी पार्टिसिपेट करता है, इतना आइडिया लगा था। तो इससे उनमें जो फूड दिया जाता है मेनली वो जो फूड होता है ना वो लिक्विड के फॉर्म में दिया जाता है, और एक फीडिंग पाइप के थ्रू दिया जाता है। फीडिंग पाइप होती है तो वो डायरेक्टली मतलब उनके स्टमक तक वो फूड को पहुंचा दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रिशन बहुत इजीली हो जाता है, ज्यादा डाइजेशन की जरूरत हमें पड़ती नहीं है वहाँ पे, तो इतने प्रोसेसेस वहाँ पे इन्वॉल्व होते नहीं है। तो जो न्यूट्रिशन होता है वो इजीली होता है, और जो न्यूट्रिशन होता है ना वो ब्लड स्ट्रीम्स में डायरेक्टली चला जाता है, और उनके उनके पास डिफरेंट डिफरेंट फिर मशीन्स लगे होते हैं ना, हर ऑर्गन क्योंकि उनका फंक्शन नहीं करता, तो वो डिफरेंट मशीन्स पे ही सर्वाइव करते हैं। ओके मैम, आई गॉट इट।
ठीक है, आज हम पढ़ते हैं हम यूनिसेलुलर कैसे कॉन्शियसनेस शो करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो भी काम अपना परफॉर्म करते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। तो वो या तो डाइजेशन रेस्पिरेशन जो भी काम परफॉर्म करते हैं वो डायरेक्टली सेल के लेवल पे होता है ना। वो उनका सेल क्या होता है, वो डायरेक्टली एनवायरमेंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो उनमें हर प्रोसेस ईजी हो जाता है। तो हम मतलब उनको अगर हम डीपली स्टडी करें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हम देखेंगे कि उनमें भी बहुत सारी प्रोसेस चल रही हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है, उनमें सेल ग्रोथ भी होता है, उनके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस भी होती है ना। तो सारी प्रोसेसेस जो जो हमने पढ़ी थी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो लिविंग होते हैं। ओके मैम, ठीक है। ओके, आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी क्या होती है, कोई आइडिया है आप लोगों को? मैम, इन दिस द ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड देन इट इज गिवन द नेम, नॉमेनक्लेचर होता है उनका, समथिंग लाइक दिस। हाँ देखो, हमें टैक्सोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या वजह थी कि हमें टैक्सोनॉमी को स्टडी करना पड़ा? मैम, सो दैट वी कैन कैटेगराइज वेरियस ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। देखो, जब हमारा अर्थ ओरिजिन हुआ ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, है ना, यहाँ तब हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हुए, ठीक है। ये पता है आपको, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए। ये हमें कैसे पता चला कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो ही आए थे, ये डेटा हमें कैसे पता चलता है? मैम, सेल्स या फॉसिल्स के थ्रू, मतलब उनके सेल्स में जो कोड्स रहते हैं उसके थ्रू। हाँ, हम फॉसिल्स को, सबसे जो ओल्डेस्ट रॉक होता है ना, हम उसे स्टडी करते हैं। हमें जो भी ओल्डेस्ट रॉक अभी तक मिला होगा उसे हम स्टडी करते हैं, उसके फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, एंड उसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये इतना पुराना फॉसिल है ना। उससे हमें पता चल जाता है कि इतने साल पहले इनका ओरिजिन हुआ होगा, ठीक है। अभी तक टोटल कितने ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, मतलब क्लासिफाई किए जा चुके हैं? Probably 1.7 to 1.8 million. हाँ, approximately 1.7 to 1.8 million species अभी तक क्लासिफाई किए जा चुके हैं ना। कितने स्पीसीज हैं ये तो अभी अभी तक किसी को भी पता नहीं, ठीक है। मतलब परफेक्ट आइडिया किसी को भी नहीं कि कितने स्पीसीज हैं, मिलियंस बिलियंस कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितने को हमने स्टडी कर लिया है वो 1.7 to 1.8 million तक हैं, मतलब 17 to 18 lakhs हो गया, ठीक है। 1 million में कितना होता है? 10 lakhs होते हैं, ठीक है। इनमें से 1.2 मिलियन जो थे ये एनिमल्स किंगडम में आ जाएंगे, एंड अप्रोक्सीमेटली 0.5 मिलियन तक प्लांट्स में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे ज्यादा स्पीसीज कौन से प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे? मैम, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स, हाँ। तो ये जो 1.2 मिलियन हमें एनिमल्स मिले थे, इनमें से अप्रोक्सीमेटली 10 लैक्स तो हमारे इंसेक्ट्स ही थे, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। मतलब सोचो कि इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ही प्रेजेंट है ना। ओके, सो टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था? कैरोलस लेलेनियस। टैक्सोनॉमी टर्म जो था, टर्म दिया था ए पी कैंडोल ने,
और जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, फादर किन्हें कहते हैं? कैरोलस लिनियस को। ठीक है, एंड फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? हैं सैंटा पॉल। ठीक है, इसमें क्या होती है, चार चीजें होती है बेसिकली। किसी भी, आपको पता है, हर साल ऑलमोस्ट 15,000 न्यू स्पीसीज का पता लगाया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अब सोचो 15,000 न्यू स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते होंगे? 15,000 एनिमल्स। नहीं, सिर्फ एनिमल्स नहीं, टोटल स्पीसीज की बात कर रही हूँ कि इतने स्पीसीज मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम टैक्सोनॉमी का प्रोसीजर करते हैं, जिसमें पहला क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन। फिर दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड इज क्लासिफिकेशन, एंड फोर्थ इज नोमेनक्लेचर। तो कैरेक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, पहले सपोज हमें एक स्पीसीज ये मिल गया, अब हम इसमें क्या क्या करेंगे इसे ढूंढने के बाद? हम उसके कैरेक्टर्स का पता लगाएंगे, मतलब उसके बाद। इसके कैरेक्टर्स का पता लगाएंगे ना, एक्सटर्नल इंटरनल जितने भी टाइप के कैरेक्टर्स होंगे इसके पास, हम उन सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे और उसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन क्या हो जाएगा कि जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उन सब का स्टडी। ठीक है, ये कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा। अब उस कैरेक्टर को स्टडी करने के बाद हम सेकंड क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करना कि वो कहाँ से आता है, मतलब कहाँ से आता है वो ऑर्गेनिज्म, उसका नहीं, आइडेंटिफिकेशन का मतलब हुआ कि अभी जो हमने कैरेक्टर्स पढ़ा है, ठीक है, उसे हम प्री एग्जिस्टिंग जो हमारे कैरेक्टर्स हैं प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स के, उनसे मैच करेंगे। जो हमारे पास टैक्सा होगा, मतलब जितने भी ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, जो भी स्पीसीज, जीनस, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब है। ठीक है, ये सबको हम टैक्सा बोलते हैं, एक हर एक लेवल को टैक्सा बोलते हैं। ठीक है, तो हर टैक्सा से हम मैच करेंगे उन कैरेक्टर्स को कि ये किस टैक्सा में फॉल करेगा। ठीक है, ये किस ग्रुप से मैच करेगा, प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स से हम मैच करेंगे। इस चीज को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, कि हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये पहले तो नहीं डिस्कवर हो चुके हैं, अगर हुए हैं तो किस ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहे हैं ना, तो उस चीज को आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, इसके डेफिनेशंस आप लोग वो बुक से लिख लोगे ना कि मैं लिखूं यहाँ पे? ठीक ब्रीफली लिख दीजिए, मतलब नोट शॉर्ट में, तो वो इजी होता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे हम, पता लगाएंगे कि इट इज सिमिलर टू, ये चीज हम मैच करेंगे। ठीक है, कि वो प्रीवियस किसी ग्रुप से मैच तो नहीं कर रहा। फिर हम क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, अब हमने उसके कैरेक्टर्स नोट डाउन कर लिए, उनको आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे अब हम उन्हें पुट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टैक्सा में, है ना? यस मैम। ठीक है, लाइक अगर किसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो हमें पता चल गया कैरेक्टर्स देखकर कि अच्छा ये हो सकता है प्लांट में होगा,
तो हम उन्हें प्लांट किंगडम में रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स को देख के। तो इन्हें क्या, इसमें क्या होता है, कन्वीनियंट कैटेगरीज या फिर टैक्सा में उसकी ग्रुपिंग, ठीक है, उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं हम उसको पर्टिकुलर टैक्सा में। फिर फोर्थ होता है हमारा नोमेनक्लेचर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उसको, नामांकन। हाँ उसको हम एक नेमिंग देते हैं, ऐसे नेमिंग देते हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्यों स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस ऑर्गेनिज्म को, उस स्पीसीज को आप सिर्फ एक ही नाम से जानोगे। ठीक है, ये चारों हमारे टैक्सोनॉमी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये चारों प्रोसीजर टैक्सोनॉमी में आते हैं। तो आप टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, टैक्सोनॉमी को बोल सकते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सीरीज है आप याद रखें, कैरेक्टराइजेशन होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर। ठीक है, इतना क्लियर है? देखो, यस मैम। टैक्सोनॉमी जो होती है ना, वो एक तो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी हो सकती है, ठीक है, एंड दूसरी मॉडर्न टैक्सोनॉमी हो सकती है। ठीक है, कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी के अंदर जो हमने अभी ये चार प्रोसीजर्स किए वही आएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आएगा। एंड जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी होती है, मतलब कि हम अब स्पीसीज को क्या करेंगे, इसमें बहुत ही डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हैं। ठीक है, फिर हम उसके सेल लेवल पे भी उसको स्टडी करते हैं, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हैं इसमें। देन हम इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी पता करते हैं, उसके बेसिस पे स्पीसीज को क्लासिफाई करते हैं, और इसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस भी आते हैं, मतलब एम्ब्रियो लेवल पे स्टडी करते हैं, डेवलपमेंटल स्टडी। ठीक है, इस मॉडर्न के अंदर आप बहुत सारी चीज, जैसे सेल लेवल पे स्टडी हो रही है, जीन्स लेवल पे स्टडी हो रही है, इकोलॉजी के बेसिस पे स्टडी हो रही है, उससे एम्ब्रियो के बेसिस पे स्टडी हो रही है, तो ये सारे किसमें आ जाएंगे, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, एक साइंटिस्ट थे ट्यूरेल, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है आपके नीट में। ट्यूरेल ने भी प्लांट टैक्सोनॉमी को डिस्क्राइब किया था, उन्होंने स्टडी किया था प्लांट टैक्सोनॉमी को, तो उन्होंने भी इसके अलग अलग डिविजन्स बताए थे। ठीक है, ट्यूरेल ने क्या किया था, इन्होंने फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी को स्टडी किया था। ठीक है, और इसके बेसिस पे
इन्होंने बोला कि हमारी चार तरीके की टैक्सोनॉमी हो सकती है, अल्फा टैक्सोनॉमी, दूसरी होगी बीटा टैक्सोनॉमी, तीसरी हमारी हो सकती है गामा टैक्सोनॉमी एंड फिर ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो ये डिवीजन उन्होंने कैसे किया? देखो टैक्सोनॉमी तो एक प्रोसीजर है, जब ओरिजिन हुआ अर्थ का, देन उसके बाद स्पीसीज आए डिफरेंट डिफरेंट, देन धीरे 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 लोगों ने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया, है ना। तो सबसे पहले लोग क्या करते होंगे, वो सिर्फ बेसिक सिंपल ऑर्गेनिज्म देखा, उसके फिजिकल कैरेक्टर्स को ऊपर ऊपर से देख लेते होंगे एंड उसे स्टडी करते होंगे, है ना। देन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई होगी, जैसे जैसे चीजें डेवलप होती गई होंगी, तो उन्होंने उसकी थोड़ी डिटेलिंग स्टडी करना स्टार्ट किया होगा। तो उसी के बेसिस पे इन्होंने इसे चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अल्फा टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, इसे हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ हम उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते थे, जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी होती थी। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी जो होती है, तो हम उसे किस ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी में रखते हैं। तो ऑप्शन आ जाएंगे अल्फा बीटा गामा ओमेगा, ठीक है, तो आप अल्फा लगाओगे, है ना। फिर बीटा टैक्सोनॉमी क्या हुई, इसे हम मैक्रो टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये क्या होगी, उससे थोड़ी बड़ी होगी। इसमें हमने क्या किया कि एक इकोलॉजी है, समझो एक इकोसिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे स्पीसीज अलग अलग टाइप के रहते होंगे, है ना। तो उस इकोसिस्टम को स्टडी करके उन्होंने स्पीसीज के बीच में रिलेशंस को समझा एंड फिर उसी के बेसिस पे उन्होंने उसके स्ट्रक्चर को, सेल ऑर्गेनाइजेशन को समझकर जब डिवीजन किया, तो वो बीटा टैक्सोनॉमी होगी, ठीक है, क्लियर है ये। फिर से एक्सप्लेन कर सकते एक बार बीटा टैक्सोनॉमी? बीटा टैक्सोनॉमी देखो उन्होंने क्या किया, इसमें मेनली आ जाएगा इकोलॉजिकल स्टडी हुई थी, ठीक है, इकोलॉजिकल स्टडी हुई। तो क्या हुआ कि ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजी को तो इसमें स्टडी कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं, अरेंजमेंट को भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, उनके अरेंजमेंट्स कैसे हैं, उस इकोलॉजी में वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, एनवायरमेंट का उन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, उन सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करके उन्होंने जब कैटेगराइजेशन किया, तो वो बीटा टैक्सोनॉमी में आई, ठीक है। अभी गामा टैक्सोनॉमी में क्या हुआ, इसमें फाइलोजेनेटिक स्टडी आ गई। फाइलोजेनेटिक स्टडी क्या होती है, फाइलोजेनेटिक स्टडी आपने सुना है? यस मैम सुने थे। क्या होता है फाइलोजेनेटिक स्टडी का, मतलब जो इवोल्यूशनरी स्टडी होती है ना, ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुई, इवोल्यूशन से जो रिलेटेड होता है, ठीक है, इवोल्यूशनरी स्टडी जो होती है ऑर्गेनिजम्स की, उसे हम फाइलोजेनेटिक स्टडी कहते हैं, ठीक है। तो जो गामा टैक्सोनॉमी थी, इसे पैलियोबॉटनी स्टडी कहा गया। पैलियोबॉटनी स्टडी का मतलब क्या है कि जो प्लांट्स के फॉसिल्स थे ना, उसको स्टडी किया गया, ठीक है। पैलियोबॉटनी स्टडी मतलब, ये टर्म याद रखना तो आपको गामा टैक्सोनॉमी याद रहेगी, कि प्लांट के फॉसिल्स को स्टडी किया गया, जिससे हमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का पता चला, ठीक है, तो वो इस क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। एंड देन फाइनली आ गया ओमेगा टैक्सोनॉमी। इसमें क्या हुई, इसमें जितने भी मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुए वो सारे ओमेगा टैक्सोनॉमी में आ गए, है ना, इसमें सारे मॉडर्न ट्रेंड्स आ गए। इस टाइम तक क्या हुआ था, इस टाइम तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिस्कवर हो चुकी थी और भी नई नई टेक्निक्स आ गई थी, तो उनके बेसिस पे स्टडी किया गया, ठीक है। तो और स्पीसीज को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी किया गया एंड उनके बायोकेमिकल एविडेंसेस को स्टडी किया गया, ठीक है। तो इस तरीके की जो क्लासिफिकेशन है उसे ओमेगा टैक्सोनॉमी में रखा जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम।
सिस्टमैटिक्स क्या होता है? टैक्सोनॉमी में एक चीज कह रही थी, टैक्सोनॉमी ओरिजिनली कौन सा वर्ड है, किस वर्ड से टैक्सोनॉमी लिया गया? टैक्सोनॉमी में उसका क्लास, अगर सिस्टमैटिक्स में होता है कि उसमें आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन तो होता है और इवोल्यूशनरी मैचिंग को भी कंसीडर किया जाता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी कंसीडर किया जाता है। हाँ सही है। अच्छा टैक्सोनॉमी में पूछ रही थी कि ये किस वर्ड से लिया गया है, ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, तो ये याद रखना की ग्रीक वर्ड टैक्सन। टैक्सन नहीं, टैक्सन तो अलग चीज है, टैक्सन तो जो कैटेगरी होती है, ग्रुप होता है, उसको टैक्सन बोलते हैं ना। टैक्सोनॉमी जो टैक्सिस और नोमोसिस में ये दो चीजें आती है, एक तो होता है टैक्सिस और नोमोस, इन दोनों को मिलाकर ही टैक्सोनॉमी बनाया गया है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। और नोमोस का मतलब क्या होता है? लॉ या फिर मैथड आप बोल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेथड है अरेंजमेंट का, है ना, जिसके अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट करते हैं किसी चीज के इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होगा? सिस्टमैटिक्स एक लैटिन टर्म है, ये भी याद रखना। टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड है और सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है। ये किस टर्म से लिया गया है? सिस्टमा, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स क्या हो जाएगा? ये टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, इसे हम सिस्टमैटिक्स बोलेंगे, है ना। यस मैम, फाइलोजेनिक का एक बार फिर से मीनिंग बता दीजिए ना। फाइलोजेनिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, सपोज क्या होगा, हम कैसे स्टडी करते हैं फाइलोजेनी को? सपोज ये ह्यूमन है, हम पहले क्या करेंगे, ह्यूमन का डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये सब आगे जब आप बायोटेक्नोलॉजी वगैरह स्टडी करोगे ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, हम ह्यूमन के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसकी हम जीनोम सिक्वेंसिंग करते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है कि कैसे होता है, एटीसीजी, उसमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं ना, तो वो जो एटीसीजी इस तरीके से ना उनकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, जीनोम क्योंकि बहुत बड़ा होता है, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो उन्हीं जीनोम में डिफर करते हैं। आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है सारे उसी जीनोम में कोडेड होते हैं। ठीक है, तो जो भी चेंज होता है, जो भी चेंजेस आते हैं ना इसी सिक्वेंसिंग में, कहीं ना कहीं कोई चेंज होता होगा, उसकी वजह से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम फाइलोजेनेटिक स्टडी करते हैं कि क्या करते हैं, हम उसका जीनोम सिक्वेंसिंग को स्टडी करते हैं एंड उसको कंपेयर करेंगे फिर, जिससे हमको स्टडी करना है। ठीक है, मान लो दो ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों का हमने जीनोम सिक्वेंसिंग कर लिया, दोनों का डीएनए हमने पढ़ लिया, अब हम उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि दोनों के जीनोम सिक्वेंसिंग में कहाँ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक इवोल्यूशनरी बेसिस मिल जाएगी कि ये चेंजेस हुए, इसकी वजह से हमें ये डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है अभी? यस मैम। सपोज हमने ह्यूमन का जीनोम सिक्वेंसिंग कर लिया, अभी इस तरीके से हमने प्लांट का भी जीनोम सिक्वेंसिंग कर लिया। ठीक है, जीनोम सिक्वेंसिंग कर लिया एंड हमने एक चिंपैंजी लिया एंड चिंपैंजी का भी हमने जीनोम सिक्वेंसिंग कर लिया। ठीक है, तीनों का कर लिया।
अभी हम क्या करेंगे, जब हमने इन दोनों का मैच किया ह्यूमन एंड प्लांट का, तो क्या होगा, बहुत ही कम परसेंट मिलेगा। सपोज 20% मैच हुआ एंड बाकी नहीं हुआ, ठीक है। बट ह्यूमन एंड चिंपैंजी का क्या होगा, ऑलमोस्ट 99% जो लोग मैच कर गए, ठीक है, फिर भी जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों है, 1% अलग होने की वजह से सारे डिफरेंसेस हैं, है ना। तो इस तरीके से हम फाइलोजेनेटिक स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड स्पीसीज लेवल पे क्या हो रहा है, आपके जो भी किंगडम है, हमारे पास 5 किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा प्रोटेस्टा मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमेलिया, है ना, ये हैं। तो ये जो प्रोटेस्टा है ये क्या है, प्रोटेस्टा में प्लांट्स के जैसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड एनिमल के जैसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। अब आप यहीं से समझ सकते हो कि हम क्यों स्टडी करते हैं फाइलोजेनेटिक्स की। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रोटिस्टा है वो प्लांट्स की तरह भी होता है, एनिमल्स की तरह भी होता है। सपोज यूग्लिना है, यूग्लिना के बारे में बताया था मैंने कि क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। इसमें फोटोट्रॉपिक भी प्रॉपर्टी होती है एंड हेटरोट्रॉपिक भी होती है, ठीक है। तो ये आपको यूग्लिना जो होता है वो एक कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि फाइलोजेनेटिक रिलेशन बन रहा है ना, किंगडम्स के बीच में भी आपने देखा कि फाइलोजेनेटिक रिलेशन बन रहा है। तो इसी स्टडी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। Yes, तो सिस्टमैटिक्स क्या हो जाएगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ टैक्सॉन, क्लियर है ना आप लोग को, टैक्सॉन टैक्सा क्या होता है। यस मैम, क्या होता है टैक्सा मैम, टैक्सा, हाँ मैम टैक्सा एक जैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हैं, तो जब वो क्लासिफाई करते हैं तो एक ग्रुप, एक उसको पर्टिकुलर ग्रुप में दिया जाता है, उस ग्रुप को टैक्सा बोलते हैं। हाँ, जो ये अपने ये सीरीज पढ़ी हुई, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना। डोमेन डोमेन एक अलग होता है ना, वो उसमें तीन आते हैं, आर्किया, वो डोमेन अलग होता है, ठीक है। डोमेन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, ये सारी क्या कहेंगे, ये एक टैक्स है, ठीक है, ये एक टैक्स है, ये एक टैक्स है, ये टैक्स है, ये टैक्स है, ये सारे ग्रुप्स क्या अलग अलग टैक्स है, ठीक है, रैंक आप बोल सकते हो, कैटेगरीज, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरलस लिलेनियस, हाँ कैरलस लिलेनियस में दिया था। क्यों इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है मैम, बिकॉज़ दो वर्ड रहता है इसीलिए। क्या होता है, दो वर्ड रहते हैं, ओके। किसमें किस लैंग्वेज में रहते हैं ये वर्ड्स, प्रोबेबली मैम ग्रीक और लैटिन, आई डोंट रिमेंबर, लैटिन में होते हैं ना। तो इसके इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करके रखने हैं, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला तो इसमें दो नेम्स होते हैं, फर्स्ट होता है जो जेनेरिक नेम होता है,
एंड सेकंड जो होता है हमारा स्पेसिफिक डिजिट होता है, जिसे हम स्पीसीज नेम कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, जीनस नेम होता है, एंड ये हमारा स्पीसीज नेम होता है। ठीक है, इन्हीं दो नामों से ये मिलकर बना है, इसीलिए हमने इसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोला। अच्छा, ये जो रूल्स दिए गए हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, ये सारे स्टैंडर्डाइज्ड कोड्स के फॉर्म में ऑलरेडी मेंशनड है ना, आप उसको स्टडी कर सकते हो वहां से। तो जो बॉटनी और जूलॉजी के लिए अलग अलग होते हैं, बॉटनी के लिए कौन सा होता है मैम, कैन यू रिपीट? देखो, जो प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया आपको दिए गए हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे आप उनको नेमिंग करते हो, ये सारे बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए अलग अलग हम स्टडी करते हैं ना। तो ICBN और ICZN, इन दोनों के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया है। क्या होता है इनका फुल फॉर्म मैम? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड उसके उसमें जूलॉजी आ जाता है, लॉजिकल आ जाता है। देखो यहाँ पे याद रखना, ये टर्म फॉर है यहाँ पे, ठीक है, और ये होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ, ये ऑफ होता है यहाँ पे, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा था कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी इस तरीके से देता है IBCN, तो या ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आता तो। अच्छे से याद रखना इसे कि ये ICBN है, ये ICZN है, एंड इधर फॉर ऑफ, ये सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये किस में रहते हैं, ये तो लैटिन में लिखे जाते हैं सारे वर्ड, है ना। अच्छा, लैटिन में ही क्यों लिखे जाते हैं मैम? सुने कि ये बहुत पुराना लैंग्वेज है और यूज नहीं होता, इसीलिए शायद लिखा जाता है। हाँ, क्योंकि अभी इसे हमने डेड लैंग्वेज कह दिया है, क्योंकि अब डेड लैंग्वेज है तो इसमें कोई भी नया वर्ड ऐड नहीं होगा, कोई कुछ भी रिमूव नहीं होगा, है ना, एक कंप्लीट लैंग्वेज वो बन चुका है। तो जो भी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको हम लैटिन लैंग्वेज में ही स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आगे आने वाली भी हमारी जनरेशन है वो भी स्टडी करेगी, तो उसमें कोई चेंज ना हो, ठीक है, हर किसी के लिए वो चीज सेम रहे, इसलिए हम उसे लैटिन में ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये लैटिन में होते हैं, एंड जो भी लिखे जाते हैं वर्ड्स उन्हें इटैलिसाइज्ड फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप हैंड रिटन होगा, जब हमारा हैंड रिटन होगा तब कैसा होगा? जब हम हाथों से लिखते हैं, अगर पेपर पे हम लिख रहे हैं, इनमें दो लाइन होता है सेपरेटली और नीचे हाँ, में अंडरलाइन करते हैं। हाँ, ये होता है, सपोज ये मैंगो पेड़ा पेंडिंग, ठीक है, तो इस तरीके से हम सेपरेटली इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, तब जरूरी नहीं है कि इसे इटैलिक्स में लिखें, है ना। यस मैम, ओके। फिर क्या होता है, ये जो हमारा जीनस है इसका फर्स्ट लेटर जो होता है ये कैपिटल में होता है हमेशा, और जो स्पीसीज होता है उसका स्मॉल में होता है, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। कभी क्या होता है, कोई नाम दे देगा और वो सही तरीके से नहीं लिखा होगा, फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा उसमें करेक्ट फॉर्मेट है, ठीक है। अब देखो, कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मैंगो, मैंगो का क्या है साइंटिफिक नेम? मैंजिफेरा इंडिका। मैंजिफेरा इंडिका। हाउसफ्लाई का दिया हुआ है, हाउसफ्लाई का क्या है, क्या होता है हाउसफ्लाई का? जितने आपके एनसीईआरटी में नाम दिए हैं ना, वो सारे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं,
तो आप उनको मेमोराइज कर लोगे तो हो जाएगा हाउस प्लांट. यानी वीट का दिया हुआ है, वीट को क्या बोलते हैं, ट्राइटिकम एस्पिडियम, अंडरलाइन करना जरूरी है. ठीक है, ह्यूमंस का क्या होता है, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, स्नेक का फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते मैम, फर्स्ट पार्ट को जेनेरिक नेम, हाँ जीनस, जीनस होता है ना, ये जीनस होता है और ये स्पीसीज नेम होता है. ठीक है, कभी कभी क्या होता है जो साइंटिस्ट ने उसको आइडेंटिफाई किया है हम उसका नाम भी लिखते हैं. सपोज ये कैरलस लिनियस ने इसको स्टडी किया था, ठीक है, तो ये मैंगिफेरा इंडिका लिन इस तरीके से भी लिखते हैं हम इसे, साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट में लिखा जाता है. ठीक है, और वो जो नाम होगा वो ना तो लैटिन में होगा ना तो इटैलिक्स में होगा. ठीक है, वो सिंपल नॉर्मल आपका जो रोमन लेटर होता है उसमें ही हम लिखते हैं. ठीक है, अच्छा कैरलस लिनियस जो थे ये साइंटिस्ट थे, वो इतने डेडिकेटेड साइंटिस्ट थे कि उन्होंने क्या किया था, जब वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर को स्टडी कर रहे थे, जब उन्होंने नेमिंग स्टार्ट की स्पीसीज की, तो उन्होंने सबसे पहले अपना ही नाम चेंज कर लिया. ठीक है, इनका नाम कुछ कैर वॉन लिनिया ऐसे कुछ था इनका नाम बड़ा सा, फिर इन्होंने अपना नाम अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने अपना नाम कैरलस लिनियस कर लिया. ठीक है, ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर आपको समझ में आया, क्लियर है ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर? यस मैम, क्लियर है. मैम, हाँ मैम, जो साइंटिस्ट का नेम लिखेंगे वो मतलब वो शॉर्ट में लिखेंगे? हाँ, वो शॉर्ट में ही रहेगा. ओके, एंड मैम वो कैपिटल में रहेगा उसका पहला लेटर? हाँ, कैपिटल में ही है. ये कैपिटल है या स्मॉल, ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी. ठीक है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था. हाँ, बट वो लिन ऐसा शॉर्ट में होता है एंड वो ना तो लैटिन होता है ना तो इटैलिसाइज्ड होता है और ना ही उसे अंडरलाइन करते हैं. ओके मैम. और वो समझ नहीं आया कि नोमेनक्लेचर कैसे अपना नाम का किया, मतलब क्या हुआ ना कि वो जब बायनोमियल नोमेनक्लेचर को स्टडी कर रहे थे तो उनका नाम कुछ अलग था पहले. ठीक है, कैर वॉन ऐसे कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. तो उन्होंने क्या किया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जैसे जैसे वो स्टडी कर रहे थे उन्होंने सोचा कि अपने नाम को भी इसी तरीके से पहले चेंज कर देता हूँ, तो उन्होंने उसी बेसिस पे अपना नाम कैरलस लिनियस रख लिया. ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ये गूगल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं, बस मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया. ठीक है, ओके मैम, चलो अभी अब हम पढ़ते हैं ये देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है, इसमें से कुछ मुझे बता सकते हो ये क्या है? ये फिगर देखकर आप क्या समझ पा रहे हो, आपको ये फिगर क्लियर हो रहा है? यस मैम. ओके, हाँ अभी आप क्या समझ रहे हो इसमें? मैम, जैसे जैसे ऑर्डर जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे इनका सिमिलैरिटीज जो है वो कम होता जा रहा है, जैसे सब स्पीसीज है, फिर डॉग है, फिर ऐसे ऐसे इंक्रीज करता जा रहा है, मतलब
कि इनका सिमिलैरिटीज जो है बहुत कम होता जा रहा है, यही समझ आ रहा है। ये देखो ये क्या है, ये एक डायग्राम है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का, ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हो। ये देखो सब स्पीसीज स्पीसीज है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, फिर डोमेन। ये डोमेन पार्ट आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ किंगडम तक, ठीक है। ये जो हायरार्की है ना, ये आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये लोअर टू हायर दिया हुआ है, स्पीसीज, स्पीसीज के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, देन क्लास, फाइलम, किंगडम। अगर आप इसे ऊपर से याद करोगे तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, फिर जीनस एंड देन स्पीसीज। ये हो गई हायरार्की होती है। ये सबसे छोटा सबसे जो मतलब ग्रुप है जहाँ पे सिमिलैरिटी जो होती है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी जो होती है वो हमें किस टैक्सा पे देखने को मिलता है, स्पीसीज के लेवल पे, ठीक है। सपोज हम ह्यूमंस हैं, होमो सैपियंस हैं, ठीक है, हमारा स्पीसीज क्या है, होमो सैपियंस। तो जितने भी होमो सैपियंस होंगे इस पूरे वर्ल्ड में, हम जितने भी ह्यूमंस हैं, हमारे सबके अंदर कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है ना। सारे सारे प्रोसेसर जो होते हैं हम लोग एक ही तरीके का परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हमारे पास ब्रेन एक ही टाइप का होता है, हमारे हार्ट, लंग्स एक ही टाइप के फंक्शंस करते हैं। तो स्पीसीज लेवल पे हमारे अंदर सिमिलैरिटीज है ना। अभी अगर आप होमो सैपे मतलब होमो में दूसरे स्पीसीज को देखोगे, लाइक होमो इरेक्टस हो गए जो हमारे पहले के थे, है ना, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, होमो इरेक्टस थे, एंड डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज थे होमो में भी, ह्यूमंस के भी। तो अगर आप उनसे कंपेयर करोगे तो हमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है। बट होमो सैपियंस को आप देखोगे तो सारे सेम ही होंगे। तो स्पीसीज लेवल पे क्या होता है, यहाँ पे सिमिलरिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, मैक्सिमम सिमिलर होते हैं। एंड जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे ब्रॉड होता जाता है कि जो हमारा ग्रुप है, तो क्या होता है, सिमिलरिटीज कम होती जाती है, लेस होती जाती है आपको, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि इनमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना। सपोज एक स्पीसीज है, अभी तीन चार अलग अलग तरीके की स्पीसीज को मिलाकर एक जीनस बनता है, तो डिफरेंट जीनस को मिलाकर फैमिली बनती है, तो डिफरेंट फैमिली को मिलाकर ऑर्डर बनता है, डिफरेंट ऑर्डर को मिलाकर क्लास, फाइलम और इस तरीके से किंगडम बनता है, ठीक है। जैसे इस फिगर में भी आप देखो, यहाँ पे ये जो है वुल्फ है एंड ये डॉग है, ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है, वुल्फ है एंड डॉग, लेकिन इसका जीनस जो है वो सेम है। जीनस कौन सा है, कैनिस, ठीक है। ये दोनों ही वुल्फ एंड डॉग कैनिस जीनस से बिलोंग करते हैं, मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी सेम होंगी, है ना। जैसे आपने डॉग में भी जर्मन शेफर्ड डॉग देखा होगा, वो देखने से कैसा लगता है, थोड़ा थोड़ा वुल्फ के जैसा दिखता है ना, उसका फेस ऐसा सामने से ऐसा वुल्फ के जैसा होता है। तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दोनों में है, तो हमने उनको सेम जीनस में रख दिया, ठीक है। अभी देखो अभी क्या हुआ है, ये यहाँ पे जैकॉल आ गया। वुल्फ और डॉग तो सेम जीनस के थे, बट ये जैकॉल क्या था, ये अलग जीनस का था, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ क्वालिटी सेम होगी, तो इसीलिए हमने इसे कैनेडी फैमिली में रख दिया, फैमिली सेम हो गई इनकी, ठीक है। तो इसी तरीके से हायरार्की जैसे जैसे बढ़ रही है, आप लोग देख रहे हो कि ऑर्गेनिजम्स नए नए उसमें ऐड होते जा रहे हैं, है ना, मतलब स्पीसीज अलग अलग होते जा रहे हैं, मगर क्या हो रहा है, उनके सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम उन्हें सेम कैटेगरी में रखते जा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ये चीज, यस मैम। जैसे कि यहाँ पे एनिमेलिया किंगडम है। अब देखो एनिमेलिया किंगडम के अंदर क्या क्या आ रहा है, इंसेक्ट भी आ जा रहा है, फिश भी आ रहा है, रैबिट भी आ रहा है, कैट, फॉक्स, जैकॉल, डॉग, ये सब आ रहे हैं, ये सारे एनिमेलिया किंगडम में, है ना।
जब फाइलम की हम बात करते हैं प्रोडेटा, तो हमारे इंसेक्ट्स को निकाल दिया हमने, क्योंकि इंसेक्ट्स हमारे प्रोडेटा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए। फिर हमारा क्लास आया मैमेलिया, तुमने क्या किया इसमें से फिश को निकाल दिया, क्योंकि फिश मैमल नहीं था, तो इतने बच गए। फिर हमने क्या किया, ऑर्डर हुआ हमारा कार्निवोरा, कार्निवोरा के अंदर हमने रैबिट को हटा दिया, ठीक है, ये इस ऑर्डर का नहीं था, फिर इतने बचे। तो इस तरीके से ये सारे रिविजन होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिया है, उसके बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ। स्पीसीज, फर्स्ट हम स्पीसीज से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है स्पीसीज के अंदर, बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज आ गया। सपोज मैंगो आ गया, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो पोटैटो है एंड लायन, इसका नाम क्या हो गया मैंगिफेरा इंडिका। पोटैटो का नाम क्या होता है सोलानम ट्यूबरोसम। प्लांट का होता है पैंथेरा, ठीक है। अब देखो ये इंडिका ट्यूबरोसम लियो, ये तीनों ही अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है। इनका जीनस भी अलग अलग है, ये मैंगीफेरा से है, ये सोलेनम से है, ये पैंथेरम से है, ठीक है। बट अगर हम इसी पैंथेरम में देखें, इसी जीनस के पैंथेरम में देखें, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आ जाती है। जीनस हमारा सेम रहेगा बट स्पीसीज चेंज हो जाएंगी। जैसे कि पैंथेरम पैरडस होता है, ठीक है, पैंथेरम टिग्रिस होता है, पैरडस किसके लिए होता है मैम पैंथर के लिए नहीं लेपर्ड के लिए होता है, लेपर्ड के लिए होता है पैंथेरम पैरडस, ठीक है। और टिग्रिस होता है टाइगर के लिए। तो देखो ये तीनों स्पीसीज अलग अलग हैं, लायन अलग होता है, लेपर्ड अलग होता है, टाइगर अलग होता है ना, बट कुछ ना कुछ उनमें सिमिलैरिटीज होंगी, इसके लिए हमने इनको क्या किया सेम जीनस में रख दिया, ये सारे ही पैंथेरम जीनस के होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप ये पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, फिर सोलेनम मेलोंजेना होता है वो ब्रिंजल के लिए होता है, फिर सोलेनम निग्रम होता है जो मकोई होता है फ्रूट है ना, उसके लिए सोलेनम निग्रम होता है। तो सोलेनम जीनस में ही कितने सारे आ जाते हैं है ना, सोलेनम मेलोंजेना हो गया, ये सारे नाम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इसलिए आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये ब्रिंजल के लिए होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो के लिए होता है, यहाँ है, एंड एक होता है सोलेनम निग्रम, ठीक है, ये किसके लिए होता है मकोली। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट थी लेकिन हमारा जीनस सेम था, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीसीज को हमने क्या किया सेम जीनस कोई मैम क्रॉप मैम कॉर्न है वो नहीं कॉर्न नहीं है मकोई काइंड ऑफ एक फ्रूट टाइप होता है। ओके मैम हम सर्च कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो जीनस लेवल पे हम क्या बोल सकते हैं कि सिमिलर स्पीसीज को हम जब एक ग्रुप में रखते हैं, ठीक है, तो ओरिजिन के कैरेक्टर थोड़े सिमिलर होते हैं, उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं तो वो जीनस फॉर्म करते हैं, है ना, ठीक है। अब देखो सपोज एक जीनस था पैंथेरा, इसमें ये लायन लेपर्ड टाइगर ये सब आ गए, ठीक है। एक हमारा जीनस है फेलिस, कैट इसमें आता है,
है ना। दूसरा एक जीनस है बल्ब्स, इसमें फॉक्स फॉक्स की स्पीसीज आती है। एंड एक जीनस है कैलिस, इसमें डॉग की स्पीसीज आती है। ठीक है, पैंथेरा में टाइगर लॉयन ये सब आ गए, कैलिस में कैट्स आ जाएंगे, बल्ब्स में फॉक्स आ जाएंगे, एंड कैलिस में डॉग आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे अलग अलग जीनस हो गए। अभी क्या होगा उनमें, ये टाइगर लायन और कैट, इन सब इन दोनों में आपको कोई सिमिलैरिटीज मिलती है क्या? कहीं ना कहीं अपीयरेंस वाइज आपको कभी कभी सेम लगते होंगे, जैसे आप लेपर्ड देखते हो, चीता देखते हो, वो कभी बिल्ली की तरह लगती है, कहीं ना कहीं सेम लगता है ना। वो कैनाइंस होता है उनके पास। हाँ, दांत का स्ट्रक्चर भी उनका सेम होता है। ठीक है, तो इनको हम एक कॉमन फैमिली में रख देते हैं। ठीक है, पैंथेरा एंड फेलिस जो हो जाएंगे, अभी हम इन्हें एक कॉमन फैमिली में रख देंगे। उस फैमिली का नाम हो जाएगा फेलिडा। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, फैमिली। अब जैसे वेल्व्स है एंड कैनिस है, इन दोनों को हम एक फैमिली में रख देंगे, तो इस फैमिली को हम बोलेंगे कैनिडी। तो ये फैलिडी है, ये कैनिडी। ठीक है, फैमिली समझ में आया आप लोगों को? मैम अच्छा, हम थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, हम नोट कर रहे थे। अच्छा अच्छा, मैं नोट्स कैसे सेंड करूंगी आपको, लेकिन फिर भी कर दो आप नोट। ओके मैम। एंड देखो, जो हमारा सोलेनम सोलेनम का मैंने आपको बताया, सोलेनम ट्यूबरोसम मेलनजिना निग्रम ये सब है ना, फिर इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट जीनस होते हैं। जैसे सोलेनम हमारा एक जीनस हो गया, ठीक है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। फिर एक पिट्यूनिया होता है अलग जीनस, सारे क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, पिट्यूनिया हो गया, दतुरा हो गया, आपने सुना होगा, ये सारे हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, ये अलग अलग जीनस है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं फ्लावरिंग बेसिस पे या वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव बेसिस पे, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग जीनस में रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब क्या होंगे, एक ही फैमिली में आ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, तो प्लांट्स में आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सोलेनम एक जीनस हो गया, पिट्यूनिया एक जीनस हो गया, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं हमेशा, दतुरा एक जीनस हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, जीनस है। एंड इनकी जो फैमिली होती है वो सेम होती है, तीनों की फैमिली क्या है, सोलेनेसिया। ठीक है, ये फैमिली होती है। फैमिली के बाद क्या आएगा, ऑर्डर है ना, ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर, ग्रुप ऑफ फैमिली। अब हम जो फैमिली को एक ग्रुप में रख देंगे उसे क्या कहेंगे हम, ऑर्डर। सपोज ये मैंने सोलेनेसी आपको बताया, ये एक फैमिली थी, इसी तरीके से एक कॉनवोल्वोलेसिया, ये भी एक फैमिली है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये फैमिली है, ये दोनों सेम ऑर्डर में जाएंगे एंड क्या हो जाएगी, पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स ऑर्डर शुरू करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर। उसी तरीके से आपने एनिमल्स का देखा था कि एनिमल्स में कौन से थे, हमारे पास फैलिडी थे एंड कैनिडी थे, है ना, ये दोनों फैमिली हमें मिली थी। इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों किस ऑर्डर में जाएंगे, कार्निवोर्स, कार्निवोर हो जाएंगे, कार्निवोर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। फिर हमारा क्लास आता है, ये सारे जो भी एनिमल्स की अगर हम बात करें तो सारे किस क्लास में जाएंगे, कार्निवोर्स हो गए, प्राइमेटा ऑर्डर होता है,
ये सारे मिलाकर एक क्लास में जाएंगे मेमेलिया, ठीक है। तो ये प्राइमेटा है, कार्निवोर है, सभी क्या है ऑर्डर। और जब हम इनको एक क्लास में पुट करेंगे तो क्लास इनका हो जाएगा मेमेलिया, ठीक है। एंड फिर फाइलम आएगा, फाइलम में क्या होगा जो रिलेटेड क्लास होंगे वो सारे मिलकर फाइलम बनाएंगे। रिलेटेड क्लास में होकर फाइलम बनाएंगे, ठीक है। अभी जैसे इसमें एनिमल्स हो गए, एनिमल्स के लिए हम टर्म फाइलम यूज करते हैं ना, एंड प्लांट्स के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए हम डिवीजन टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे अलग अलग क्लास थे, लाइक फिशेज, फिशेज थे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, अभी जो आपको ऊपर भी मैंने डायग्राम दिखाया था, वो सारे किस फाइलम में जा रहे थे, प्रोटेटा, है ना। ये भी अलग अलग आएंगे, फिशेज हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, डिफरेंट क्लास है, ये सारे एक फाइलम में जाएंगे तो डेटा। आपने एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं ना आप लोग? यस मैम, हेमिकॉर्डिस तक पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग प्लांट क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। एंड देन क्या होगा, क्रोडेटा के बाद क्या आ जाएगा, फाइलम के बाद हमारा किंगडम आ जाएगा लास्ट, ठीक है। किंगडम क्या हो जाएगा हमारा फाइनली, एनिमलिया। कौन कौन से किंगडम होते हैं, फाइव किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसमें जितने भी एग्जांपल्स अभी तक आपने पढ़े, ये सारे एग्जांपल्स बाय साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे नाम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। काफी लंबा हो गया, पता नहीं प्रिंट होगा कि नहीं, जब काफी ज्यादा पेज आ जाते हैं ना तो प्रिंट होने में प्रॉब्लम हो जाती है। मैम स्क्रीनशॉट लेकर भी आप पिक्स भेज सकते हैं, मतलब जैसे मेरी दूसरी बायो टीचर करती हैं कभी कभी। मतलब मोबाइल से खींच कर? यस मैम, वो कभी कभी ऐसे भी भेजती हैं। ठीक है मैम, देखूंगी ना, भेज दूंगी, ठीक है। तो आपको क्लियर है इतना? यस मैम, यस मैम। तो फिर आप लोग इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना, और इन सब के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी जब हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा तो हम करेंगे, ठीक है। ओके मैम, अच्छा ऑन्टोजेनी क्या होती है आपको पता है? ऑन्टोजेनी किसकी स्टडी को बोलते हैं? नो मैम, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी ओरिजिन डेवलपमेंट, जितनी हम बेसिक बचपन से एम्ब्रियो लेवल से जब स्टार्ट करते हैं ना स्टडी को, तो उसको ऑन्टोजेनी बोलते हैं, मतलब पूरी हिस्ट्री को पढ़ना, ठीक है। मैम हिस्ट्री ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म? हाँ, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके मैम, तो ऐसे ऐसे टर्म्स भी आप आपको याद होने चाहिए कि किसके स्टडी को क्या बोलते हैं, ये सारे टर्म्स। ओके मैम, ठीक है, चलो फिर, थैंक यू। वेलकम मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।